इबादत करने के बाद तकब्बुर पैदा होने के बजाय आदमी के अंदर तवाज़ो पैदा होना चाहिए। बहुत सारे लोग इबादत करने के बाद मुतकब्बिर बन जाते हैं, ऐसी इबादत कोई काम की नहीं, बल्कि जिस इबादत के करने के बाद इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए उससे बेहतर वो गुनाह है जिसके करने के बाद आदमी को शर्मिंदगी अल्लाह के अज़ाब का खौफ सताए। इसलिए कि इबादत का असल मकसूद तवाज़ो है, खाकसारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में अपने आप को झुका देना है। अगर आदमी इबादत करने के बाद तकब्बुर पैदा कर ले और वो ये समझे कि इस बुनियाद के पर हम बहुत बड़े बन गए हैं, हमारी इबादतें कबूल हो चुकी हैं, तो फिर ये सरकशी है। अंबियाए किराम इबादत करने के बाद अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे परदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। वो ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया अब अल्लाह के यहाँ हमारा मकाम बहुत बुलंद हो गया है, नहीं, उसकी कबूलियत की दुआ मांगी जा रही है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।